रुद्रप्रयाग में 500 से ज्यादा परिवार अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। बता दें कि दूर दराज के कई गांव के 113 तोकों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीण आज तक बिजली से वंचित हैं, जिसके चलते लोगों का शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की समस्या को लेकर कई बार ऊर्जा विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, ये बात सही बात है कि आज भी रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र दूरदराज का जो क्षेत्र है, धनपुर हो गया, धनपुर के क्षेत्र का जो क्षेत्र है ऊपर का लगा हुआ जो ग्राम सभा पीड़ा है, उसके थपलदार हो गया, थैलदार हो गया, पटोटी हो गया, इन जगहों पर अभी भी लाइट नहीं है। पोल वगैरह लगे हुए हैं पर उन पर उचित व्यवस्था लाइट की नहीं है, जिससे कि जो क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के गाँव के लोग हैं, वो प्लान कर रहे हैं कहीं दिल्ली बम्बई या देहरादून बस जा रहे हैं या तो रुद्रप्रयाग शहर में बस जा रहे हैं। इसके लिए हमने कई बार शिकायत भी की है, बताया भी है, पर इसमें कोई वो नहीं हो रहा कि इसमें हमारे जनपद में टोटल 113 तोक हैं जो विद्युतीकरण से वंचित रह गए हैं, जिसमें से अभी 24 तोकों में काम स्टार्ट है, खंभे लगाए जा रहे हैं और ये सभी तोक हमें दिसंबर 18 तक पूरे करने हैं। तो दिसंबर 18 तक हमारा टारगेट है कि हर घर में हम बिजली दें। कितने की ये पूरी कार्य, ये लगभग 11 करोड़ की कार्य योजना, कब तक धरातल पे आ जाएगी? दिसंबर 2018 तक इसे। वहीं ऊर्जा निगम ने अब दावा किया है कि दिसंबर महीने तक जनपद का हर घर बिजली की रोशनी से रोशन होगा। इसके लिए 10 करोड़ की योजना के जरिए विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।